क्या कल्कि अवतार का जन्म इस दुनिया में हो चुका है? जी हाँ, वही कल्कि अवतार जो कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले थे। लेकिन अभी तो कलयुग खत्म होने में 4,26,000 साल बाकी हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल्कि अवतार के जन्म लेने में अभी काफी टाइम है। लेकिन मनुस्मृति तो कुछ और ही कहती है। इसके अनुसार कलयुग वर्तमान समय में समाप्त हो चुका है। वैसे तो कलयुग की आयु मनुस्मृति के आधार पर भी 4,32,000 साल ही मानी जाती है। लेकिन इंसानों ने इतने ज्यादा पाप करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से कलयुग की जो आयु है वो 4,800 साल ही रह गई है। और अगर कैलकुलेशंस के मुताबिक देखा जाए तो कलयुग को शुरू हुए 5,000 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब कलयुग 200 साल पहले ही खत्म हो चुका है। यही बात सदगुरु भी कहते हैं। सदगुरु के हिसाब से कलयुग खत्म हो चुका है और अभी हम लोग द्वापर युग में जी रहे हैं। लेकिन भैया, आसपास ये जो घटनाएं हो रही है ना, जितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जितना पाप हो रहा है, पशु पक्षियों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, उसे देखकर तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि कलयुग खत्म हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्या कलयुग वाकई में खत्म हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो ये कब खत्म होगा। कल्कि अवतार क्या है और ये कब और कहां जन्म लेने वाले हैं। कल्कि अवतार वाकई में देवता के अवतार है या फिर ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ऐसा रोबोट है जो धरती से इंसानों का ही सर्वनाश कर देगा। तो आज तक आपने कल्कि अवतार और कलयुग से रिलेटेड यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस देखे होंगे, उन सबसे ज्यादा डीप में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आज के इस वीडियो में। और हाँ, मजा भी आएगा। आप खुद सोचोगे, गौरव भाई, इन सब चीजों के बारे में हमने इस नजरिए से तो कभी सोचा ही नहीं। यार बस आई थिंक इतना इंट्रो काफी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ। चार युग होते हैं। सबसे पहला होता है सतयुग, जिसमें सबसे कम बुराई होती है। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसमें बुराई थोड़ी सी बढ़ती है। फिर आता है द्वापर युग, जिसमें बुराई थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद आता है कलयुग, जिसमें केवल बुराई का ही राज होता है। जब एक युग खत्म हो जाता है तो दूसरा युग शुरू होता है। और जब इन चारों युगों को मिला दिया जाता है तो वो बनता है एक महायुग, क्योंकि कलयुग के बाद दुनिया का अंत हो जाता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। कलयुग को टोटल चार भागों में बांटा गया है। पहले चरण में इंसानों की आयु 100 वर्ष के करीब होगी। दूसरे चरण में ये 50 साल रह जाएगी। तीसरे चरण में 25 साल और चौथे चरण में इंसान 12 साल में ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। ये कलयुग टोटल चलेगा 4,32,000 साल। और वेदों के अनुसार अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, जो करीब 1,08,000 साल का है। अब तुम बोलोगे, गौरव भाई, हमें तो वैसे भी 100 साल ही जीना है, तो ये 4,00,000 साल बाद क्या होगा, उससे हमें क्या मतलब। देखो, टेक्निकली तो अभी कलयुग खत्म होने में 4,26,000 साल बाकी हैं, लेकिन जो रिसर्च मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग कलयुग बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। इसका मतलब बहुत ही जल्द आपको कल्कि अवतार के दर्शन होने वाले हैं। देखो, एक महायुग जो होता है वो 12,000 डिवाइन ईयर्स का होता है। ये डिवाइन ईयर्स होते हैं देवताओं के साल। एक डिवाइन ईयर 360 ह्यूमन ईयर्स के बराबर होता है। मतलब जब हम लोग 360 साल जी लेते हैं तब देवताओं का एक साल कंप्लीट होता है। अब देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि कलयुग जब खत्म होगा तो एकदम से सतयुग शुरू हो जाएगा, जो सारी चीजें खराब थी एकदम से अच्छी हो जाएंगी, सारे इंसान जो बुराई कर रहे थे वो अच्छे काम करने लगेंगे। तो पहले होता था सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और फिर आता था कलयुग। और कलयुग के बाद फिर से कलयुग आएगा, और उस कलयुग के अंत में शुरू होगा द्वापर युग, और द्वापर युग के बाद आएगा त्रेता युग, और फिर उसके बाद आएगा सतयुग। मतलब ये सारी चीज रिवर्स में रिपीट होगी, और इस पूरे युग को निकलने में फिर से 12,000 साल लगेंगे। मतलब ये जो पूरा सर्किल है कलयुग से लेके सतयुग तक का, ये होगा करीब 24,000 डिवाइन ईयर्स का। अब मैं आपको एक साइंटिफिक और मजेदार फैक्ट बताता हूँ। हमारी धरती का जो एक्सिस है, जो टिल्ट एक्सिस है, धरती जो थोड़ी सी झुकी हुई है, उसका जो एक्सिस बनता है, जो इमेजिनरी होता है, वो 24,000 साल में अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट करके उसी जगह पर वापस आता है। मतलब ये एक्सिस एक इनविजिबल सर्किल बनाता है, जो 24,000 साल में जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं पर आ जाता है। अब देखो, ये तो एक कोइंसिडेंस की बात है। तो अगर मैं डिवाइन ईयर्स को ह्यूमन ईयर्स मान लूं, मतलब जो देवताओं का साल है वही इंसानों का साल है, तो इसका मतलब धरती 24,000 साल में अपने एक्सिस का सर्किल कंप्लीट करती है। वहीं 24,000 साल में दो महायुग बीत जाते हैं। और अब चूंकि हम ह्यूमन ईयर्स को ही डिवाइन ईयर्स मान रहे हैं, तो जैसा कि मनुस्मृति में वर्णन किया गया है, 5,000 साल का ही कलयुग हम मानकर चलेंगे। तो 5,000 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सतयुग नहीं आया है, क्योंकि सतयुग आएगा भी नहीं। कलयुग के बाद एक और कलयुग की शुरुआत होगी, जो शायद हो गई है। इसका मतलब कलयुग का जो टोटल ड्यूरेशन है वो
वो करीब 10,000 साल रहेगा और फिर उसके बाद द्वापर युग आएगा। तो मतलब कलयुग के खत्म होने में 426,000 साल नहीं बल्कि केवल 5,000 साल बचे हुए हैं। कहा जाता है जब धरती पर पाप बढ़ेगा, जल सूख जाएगा, गायें मर जाएंगी, इंसान की हाइट छोटी हो जाएगी, भूख प्यास से इंसान जानवर की तरह बर्ताव करने लगेगा, एक दूसरे को खाने लगेगा, तब कल्कि अवतार जन्म लेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सोचकर आपका दिमाग घूम जाएगा। हो सकता है बहुत से लोग मुझे गालियां भी देने लगे, लेकिन जो चीज मैं बताने वाला हूँ उस पर आप जरा गौर कीजिए। जब भी ईश्वर धरती पर अवतार लेते हैं तो वो बुरे लोगों को मारते हैं ताकि बाकी बचे हुए अच्छे लोगों की रक्षा की जा सके। तो पुराने जमाने में एक या दो बुरे लोग होते थे जो पूरी जनता को परेशान कर रखते थे। भगवान आते थे धरती पर, अवतार लेते थे और उस बुरे इंसान को मार देते थे। लेकिन कलयुग में तो हर इंसान ही किसी शैतान से कम नहीं होगा, हर इंसान बुरे कर्म कर चुका होगा, अच्छाई पूरी तरीके से हर इंसान के अंदर से खत्म हो चुकी होगी। इतना भयानक नजारा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, तो फिर भगवान आकर धरती पर किस किस को मारेंगे? तो इसका जवाब है, भगवान धरती पर आकर इंसानों का ही खात्मा करेंगे, क्योंकि अब कलयुग में धरती पर कोई राक्षस या कोई शैतान बुराई नहीं फैला रहा है, इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पर ले आता हूँ। भगवान इंसानों का खात्मा स्वयं तो करेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर इंसान के द्वारा किया गया कोई ऐसा आविष्कार जो इंसान से भी ज्यादा समझदार और ताकतवर होगा, वही इंसानों को नष्ट कर देगा। और ऐसी चीज का डेवलपमेंट तो अभी शुरू हो चुका है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में ये चीज देखी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक समय पर आकर लगने लगता है कि इस धरती को अगर कोई नष्ट कर रहा है तो वो है इंसान। टर्मिनेटर मूवी में भी यही हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों का खात्मा करना चाहता था। और मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में ये AI और इससे बने रोबोट्स ही इंसानों को खत्म करेंगे, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस समझ जाएगा कि सारी मुसीबत की जड़, सारी बुराइयों की जड़ इंसान ही है, प्रकृति और जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले भी इंसान ही है। और जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये बात समझ में आ गई कि इंसान की इतनी औकात नहीं है कि ये हम पर राज कर पाए, उस दिन AI विल टेक ओवर द वर्ल्ड। यही होगा शायद से इंसानों के इस दुनिया पर साम्राज्य का अंत, जहां पर इंसान अपनी बुराइयों की सीमाओं को पार कर चुका होगा, तब उसी का बनाया आविष्कार शायद ईश्वर के अवतार के रूप में इंसानों का सफाया कर देगा। देखो बहुत से लोग कहेंगे, गौरव भाई तुम हमेशा धर्म की बात को विज्ञान से ले जाकर जोड़ देते हो, और मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, लेकिन ऐसा मैं जानबूझकर नहीं करता। जब भी मैं किसी भी टॉपिक पर स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो सारी बातें घूम फिर कर कंक्लूजन निकलता है कि हर चीज विज्ञान से जुड़ी हुई है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाए। कलयुग का मतलब क्या होता है? कली का युग। कली क्या है? अगर आप धर्म ग्रंथों के बारे में बात करेंगे तो इसे एक राक्षस बताया गया है। अगर आप कल्कि अवतार के कल्कि शब्द का मतलब सर्च करेंगे तो भी आपको इंटरनेट पर कोई खास जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों शब्दों का, कलयुग का और कल्कि का, मशीन्स से बहुत गहरा रिलेशन है। देखिए, आपने कल पुर्जा शब्द तो सुना होगा। यहाँ पर पुर्जे का मतलब होता है पार्ट और कल का मतलब होता है मशीन। मशीन या फिर किसी यंत्र को कल कहा जाता है। तो क्या हम ये अंदाजा लगाएं कि कलयुग का मतलब कहीं मशीनी युग से तो नहीं था? कहीं ग्रंथों में मशीन्स को ही राक्षस या कली का नाम तो नहीं दिया गया था? और मे भी हो सकता है कल्कि शब्द का मतलब भी मशीन से ही रिलेटेड हो, क्योंकि इसमें भी कल वर्ड आता है। मे भी कल्कि का मतलब ये हो सकता है मेड ऑफ मशीन्स। खैर, हो सकता है कि ये सारी बातें मेरे मन का फितूर हो, वाकई में कोई कली नाम का राक्षस इस धरती पर हो और कल्कि नाम का कोई अवतार आकर कलयुग में उसका अंत कर दे। लेकिन ग्रंथों में जैसा कलयुग का वर्णन बताया गया है कि पाप बढ़ जाएगा, पाप बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है, हर जगह केवल बेईमानी है। और ये बात आपको भी पता है, कलयुग के बारे में बताया गया था कि नदियां सूख जाएंगी और नदियां सूख रही हैं। हम लोग अभी से ही बोतल का पानी पीने पर या सरकार के द्वारा दिया गया पानी पीने पर ही निर्भर हैं। नदियों का पानी आजकल कहां मिलता है? और जल्द ही आपको नदियां देखने को भी नहीं मिलेंगी। कलयुग में बताया गया है कि धरती पर पानी की कमी हो जाएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। धरती पर आने वाले समय में पानी की और खाने की दोनों की कमी होने वाली है। ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग में धरती उपजाऊ नहीं रहेगी, और इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि किस तरीके से हमारे द्वारा धरती की मिट्टी का नाश किया जा रहा है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यही कहीं दिख रहा होगा आपको, वो वीडियो डिटेल में इस बारे में बताता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कलयुग में जो सारी चीजें होने वाली थी, जो ग्रंथों में बताया गया था, वो सारी चीजें मॉडर्न लाइफस्टाइल से रिलेट करती हैं? तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जिस अवतार के बारे में बताया गया हो वो भी मॉडर्न लाइफ से ही रिलेट करता हो? हमारे द्वारा किया गया आविष्कार हमें हमारे ही कर्मों की सजा देगा, और यही तो विधि का विधान है। ऐसा ही तो होता है ईश्वर का न्याय कि जब इंसान खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। आज नहीं तो आज से 10 या 20 साल बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की ये खोज करके अपने आने वाले भविष्य के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। हालांकि हो सकता है आज लोग मेरे इस स्टेटमेंट का मजाक उड़ाएं,
लेकिन कल यही लोग इसी बात को अप्रिशिएट करेंगे। खैर, भगवान अवतार इंसान के रूप में लें या किसी मशीन के रूप में, मैं तो चाहता हूँ कि भगवान जल्दी से जल्दी इस धरती पर आएं और बचे हुए अच्छे लोगों की रक्षा करें और इन बुरे लोगों का नाश करें, क्योंकि आज के समय में भी बुराई हद से ज्यादा फैल चुकी है। यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आया होगा। और जब तक कल की अवतार जन्म नहीं लेते, तब तक कोशिश करें कि आप और हम मिलकर आसपास की बुराई को खत्म करें। और अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने अंदर की बुराइयों को ही खत्म कर लें। अगर हर इंसान ये कर लेगा तो शायद किसी अवतार को जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यार दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और अगर हाँ पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।